नमस्कार के टीवी चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आई हूँ वलसा के भीमभंजन महादेव मंदिर में, जहाँ आज शनि जयंती पर यहाँ के शिवजी महाराज ने आज यहाँ शनि देव की पूजा की है। तो आज हमारे साथ है महाराज जी। सर, आज जो शनि जयंती है उसके बारे में। पहले तो मैं सभी को शनि जयंती की खूब खूब शुभकामना और अभिनंदन। आज शनि जयंती है, अमावस्या है और भगवान शनि की सभी जगह पर पूजा अर्चना हो रही है। इस समय वैश्विक महामारी के कारण कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा आज, लेकिन आपकी चैनल के माध्यम के द्वारा उन लोगों को भी आज शनि जयंती का अभिषेक का लाभ मिलेगा। शनि देव हमारे नव ग्रह में से प्रमुख देव है। नव ग्रह उसमें से शनि देव, राहु, शनि, केतु, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र, ऐसे नौ ग्रह हमारे उस नव ग्रह में। तो आज शनि जयंती, शनि भगवान सूर्य पुत्र है। देखिए, भगवान सूर्य और चंद्रमा अखंड 24 घंटे इस विश्व की सेवा कर रहे हैं। कोई भी मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों से लेते नहीं हो इसके। तो ऐसे सूर्य पुत्र शनि देव हम सभी की रक्षा करते हैं। कई बार लोगों को लगता है, इनसे डर भी लगता है कि शनि देव हमारा कुछ शनि की पनौती लग जाती है, लेकिन शनि दोनों तरफ से ही फायदेकारक होता है। और शनि देव जो हैं भगवान के प्रिय देव हैं, इसलिए ये हनुमान जी के अलावा सभी देवताओं के प्रति इनका प्रभाव रहा है। सर, ये जो दो साल पहले जो शनि देव के बारे में जो अफवाहें फैली थी गलत गलत, जिसने शनि देव के बारे में कुछ गलत बात की उसके बारे में। जी हाँ, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये घटना तो घटी थी यहाँ पर और हम खुद ही थे उसमें। यहाँ से रैली लेके हम लोग आवेदन पत्र भी दिए थे। हमारे देश के प्रमुख योगाचार्य हैं जिन्होंने ऐसा शब्द बोले थे उस समय शनिदेव के लिए, जिसका परिणाम शायद आज भोग भी रहे हो। मैं कहना चाहूँगा, सच में आज एक बात तो आपको बताऊँगा मैं, कि इस देश में अगर कोई प्रयोजनाचार्य है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसको हम परिव्राज का चाहिए कह सकते हैं। तो उनको देख करके भी लोगों को विचार करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि आप मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, अगर इंसान भी बन जाए पूरे, ये हम प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमारे में मानवता आए, न कि हम किसी देवी देवता या किसी धर्म के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा किया था और उसका हम लोगों ने विनम्र भाव से विरोध भी किया था और विरोध के साथ में निवेदन भी किया था कि आप अपना सामान बेचा करें जो भी बेच रहे हैं, लेकिन किसी धर्म के बारे में या हमारे हिंदू धर्म के बारे में जिसका सहारा लेकर के आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके भगवान को तो छोड़िए। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, आज जो देश की परिस्थिति हो रही है, आप देखिए, पहली बार शायद इतिहास में मंदिर बंद रहे हैं, धर्मालय बंद रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हमारे ये धर्माचार्य नहीं समझेंगे, हमारे ये जितने कथाकार लोग हैं, पता नहीं क्यों ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अरे समझिए जरा, उस परमात्मा का नाम लेकर के आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ, एक लोगों की सेवा करता हूँ। आज शनि जयंती है तो अभिषेक कर रहा था शनि देव का, लेकिन मैं एक जागृत नागरिक होने के नाते और इस देश का एक सेवक होने के नाते मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि अपनी मर्यादा में रहते हुए अपना कार्य करें। और इस समय देश की परिस्थिति देखते हुए आपको खुद को सबको समझना चाहिए कि सर्वशक्तिमान वो परमपिता परमात्मा है, वही सुप्रीम पावर है। मेहरबानी करके आप उसके बारे में कोई ऐसे शब्द न बोलें। शनि जयंती पर भगवान शनि सबको सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सर, हमारे हिंदू धर्म जो बहुत मान्यता है, जैसे मंदिरों में दान पेटी रखी जाती है, तो उसके बारे में आपकी क्या मान्यता है? सच में ये तो आपने बड़ी मेरी अंदर की बात की है।
और इस लॉकडाउन में जितना मैं प्रसन्न हूँ कि मंदिरों से पेटियाँ हटी हैं, सच में एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास अगर आपके अंदर वो है। देखिए, प्राचीन काल में भी मंदिर थे, राजा महाराजा मंदिर संभालते थे। आज भी हमारे गांव में हमारे मंदिरों को गांव वाले संभालते हैं, वहाँ कोई पेटियाँ नहीं रखी हुई रहती हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ और जो भी मंदिर वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अब कुछ क्रांति ऐसी लाइए, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जो भजन गा रहे हैं हम उसको सार्थक बनाइए, हटाइए इन पेटियों को मंदिरों के सामने से। और भगवान को क्यों हम भिखारी बनाएं, भगवान तो स्वयं दाता है, हम तो भजन गाते हैं इस तरह से। इसलिए ऐसी कुछ क्रांति होनी चाहिए इस देश के अंदर कि अब ये पेटियाँ भी हटनी चाहिए और उस पर भरोसा हो। आज देखिए, बलसार शहर की बात करता हूँ, यहाँ पर इतनी सेवा की प्रवृत्ति चल रही है, इस संस्था से भी चल रही है, लेकिन मैंने इतना देखा है कि अगर आप में नीतिमत्ता है, अगर आप में उस पर विश्वास है, तो निश्चित है कि आपका कार्य पूर्ण होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में अब लोगों को समझना चाहिए और हटा देनी चाहिए मंदिरों से पेटियाँ, और भगवान को कहिए आप कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारा सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों फिर हम आप पे विश्वास न रखें। एक बार विश्वास करके तो देखिए भगवान पे। तो देखा कि आपने शिव जी महाराज ने हमें बहुत अच्छी बात कही है कि आज कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी में सब लोग अपने हिंदू धर्म को भूलते जा रहे हैं और किसी को आज ये भी याद नहीं है कि आज शनि जयंती है। तो हमारी तरफ से यही है कि आप अपने हिंदू धर्म के प्रति वापस मुड़े और अपने धर्म प्रति अपनी निष्ठा बताएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें के एम टी वी चैनल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा में राजेश चौबे के साथ मैं रीना पटेल, गुजरात दर्शन।